वैसे बिला वजह आप लोगों ने इतना तकल्लुफ किया। दुल्हन के घर से शादी के दूसरे दिन इतना नाश्ता आना, मैं इस रस्म के खिलाफ हूँ। कुछ रस्म रिवाज इतने खूबसूरत होते हैं कि उन्हें छोड़ने का दिल नहीं चाहता, और वैसे भी ये तो मिल बैठने का एक बहाना होता है। जी आंटी, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आंटी ये आपका अपना ही घर है, तकल्लुफ की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। और वैसे भी मैं तकल्लुफात का बिल्कुल भी कायल हूं ही नहीं। तकल्लुफ की बात नहीं है बेटा, दामाद भी बेटा ही होता है। आज मैं कितनी खुश हूं मैं आपको बता नहीं सकती। आज तो मेरे घर में रौनक जमी है, वरना मैं तो इस घर की खामोशी से उकता जाती थी। आवाजें जिंदगी की अलामत होती हैं। घर तो घर वालों से बनता है ना, वरना खाली दरो दीवार बस रहने का ठिकाना होते हैं, घर नहीं। ठीक कह रही हैं आप। ज़ैनब और एनी नहीं आए? वो एनी के स्कूल में जरूरी काम था इसलिए उसको वहां जाना पड़ा, और ज़ैनब की वालदा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो उसको अपनी अम्मी के पास जाना पड़ा। अच्छा अच्छा मुझे मेहर यार की शादी की बहुत फिक्र थी, शुक्र है कि हमारा रिश्ता आपके घर से जुड़ गया। बस अब तो मेरी सिर्फ एक दुआ है कि हुरिया और मेहर यार सदा खुश और आबाद रहें, और दोनों घरानों की मोहब्बत हमेशा कायम रहे। आमीन, मेरी भी दिल से यही दुआ है। परी, आपका दिल यहाँ लग गया? जी चांदनी खाला, ये तो बहुत अच्छी बात है कि परी यहाँ खुश है।